379 सीटों में चुनाव हो चुका है, चार चरण के चुनाव हो चुके हैं, पर दो चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के बाद ही स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पूर्वी और पश्चिम भारत में बीजेपी हाफ। 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी को, इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो चुका है। प्रधानमंत्री की भाषा में गड़बड़ी दिखती है, परेशान दिखते हैं, गृहमंत्री कुछ भी बोल लेते हैं, पर असली बात यह है कि उनका प्रचार काम नहीं कर रहा है। कोई लहर नहीं है, नाराजगी है, लोग बदलाव चाहते हैं, किसान, श्रमिक, युवा, महिला, पिछड़े वर्ग, सब लोग हमारे गारंटी कार्ड से प्रभावित हुए हैं, हमारे 5 न्याय 25 गारंटी से प्रभावित हुए हैं, उसका असर हुआ है। और आप देखेंगे 2004 में जो बदलाव और परिवर्तन आया था, किसी को उम्मीद नहीं थी। 2004 में हम 3 उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव बुरी तरीके से हारे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इंडिया शाइनिंग था और लोग कहा करते थे, अरे भीष्म पितामह हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो उनको कोई हरा नहीं सकता। पर मई 2004 में किसकी सरकार बनी, किसको जनादेश मिला? तो लोगों ने अपना मन बना लिया है, चुपचाप तरीके से वो प्रधानमंत्री को अलविदा करेंगे 4 तारीख को।